श्री रामभाव नायक जी मैडम और प्रदेश में कृषि विभाग का मंत्री श्री सूर्य प्रताप साहू जी और यहाँ का उप कुलपति डॉक्टर सुशील वर्मन जी और पुरानी बहुत अनुभवी नेता श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और डॉक्टर एन एस राठौर डॉक्टर एम पी पांडे डॉक्टर राजन सिंह यहाँ का रजिस्ट्रार और आज समारोह में आए हुए सिस्टर अतिथिगण और आज ये दीक्षांतर समारोह में भाग लेने वाले और मेडल पाने वाले सभी खुशियों और मित्रों, मैं जैसा रामभाव बोल रहे थे, रामभाव तो कम से कम मुंबई से है, मुंबई एक मिनी इंडिया है और उन्होंने बहुत अनुभव भी किया है। मैं तो दक्षिण से हूँ, जब मैं पढ़ रहे थे उस समय हिंदी विरोध आंदोलन चल रहे थे कारे छुट्टी करके बाहर आके हिंदी डाउनलोड ऐसा कर रहे थे, हमको हिंदी क्या है मालूम भी नहीं था उस समय। तो हमने भी कहा छुट्टी आ रहा है, अच्छा है, आजकल एक बार छुट्टी है, घर जाना अपना काम करना। तो हम लोग सब बाहर आए, तब किसी ने कहा भाई ये तो हम लोग हिंदी विरोध आंदोलन में भाग ले रहे, मगर हिंदी है ही कहाँ हमारे इलाके में। मेरा गाँव नंदूर है, चेन्नई से बगल में है, आंध्र में है मगर चेन्नई का बगल में है। इधर इधर उधर देखने बड़े लोगों से बात कर रहे, हिंदी है कहा, हाँ हिंदी है कहा। एक लड़का आया और उन्होंने कहा दो जगह पे हिंदी है, और लोगों ने उनसे पूछा कहाँ बताओ, तो उन्होंने कहा दो जगह पे है, एक पोस्ट ऑफिस में है डाकघर, दूसरा रेलवे स्टेशन में। छात्रों दो गुट होके, एक गुट पोस्ट ऑफिस गया, एक गुट रेलवे स्टेशन गया। मैं भी पोस्ट ऑफिस गया और वहाँ डाक घर के ऊपर सब लोग ने ताज लगाया, मैं भी उसमें शामिल हो गया। तब 1993 में जब मैं दिल्ली में पार्टी का महामंत्री का दायित्व जो अडवाणी जी ने दिया वो लेकर दिल्ली आया, तब मुझे समझ में आया मैंने वो डाक घर के ऊपर ताज नहीं लगाया, मेरा चेहरे के ऊपर ताज लगाया। हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं है। लोग हिंदी जानते हैं और वो भी हमारा देश की भाषा है, इसलिए जरूर हिंदी सीखना चाहिए, मगर बहुत देर हो चुका है। तो धीरे धीरे भाई सीनियर से बात करते करते या पत्रकार मित्रों से बात करते करते टूटी फूटी हिंदी बोलना शुरू किया, और उत्तर में आए तो उत्तर में भाषण थोड़ा सा हिंदी में देने का प्रयोग किया, तो मैं लोगों ने इसको स्वीकार किया, अरे भाई दक्षिण मत का आदमी हिंदी में बोल रहा है, अच्छा बोल रहे थे उनको, इसलिए पुमलिंग है स्त्रीलिंग है। उसके ऊपर ज्यादा वो समय ध्यान दिया है, लोगों के प्रोत्साहन से मैं धीरे धीरे हिंदी सीखना शुरू किया। इसलिए मित्रों थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। आज मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है दो कारणों से। एक कारण यह है मैं कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्सव माने दीक्षांतर उत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं खुद किसान खेती करता नहीं हूँ, कारण क्या उतना समय है नहीं। मैंने सोचा थोड़ा राजनीति से मुक्त होने के बाद जाके दोबारा खेती करूं, मगर मुक्त नहीं करने दिए, उपराष्ट्रपति बनाया। राजनीति में नहीं हूं, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। तो इसलिए मेरा मन में बहुत प्रसन्नता है। आई लाइक एग्रीकल्चर एनीथिंग बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बेसिक कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। क्योंकि हमारा परंपरागत संस्कृति है, और दूसरा ये चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस,
ऐसा महान नेता वो लोगों का जीवन से हमने प्रेरणा लिया, ऐसी महान भाव का नाम पे विश्वविद्यालय का स्थापना और उसमें आके मुझे दीक्षांतर इसमें भाषण करना सचमुच में मैं सौभाग्य मानता हूँ। जो बाहर में गए वो चंद्रशेखर जी का नाम देखते हुए मन में बहुत शांत रहे, बीच में तो हो गए हम लोग ब्रिटिश वालों के कारण से। ब्रिटिश वाले जाते जाते केवल हमारा पौरुष नहीं हमारा माइंड भी खराब करके गए। दे केम हियर, दे रूल्ड अस, रुइन्ड अस, रूटेड अस एंड चीटेड अस। नॉट ओनली इंग्लिश पीपल, एवरी टाइम डिक एंड हैरी इन द वर्ल्ड स्मॉल कंट्रीज ऑल्सो दे केम एंड अटैक्ड अस। इंडिया हमारा देश बहुत पुराना है, 5000 साल का इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमने किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं। ब्रिटिश वाले आने के पहले मुगलों का उस जमाने में इंडिया का जीडीपी दुनिया का जीडीपी में 27% था, 27%। आजकल हम लोग 7% के लिए प्रयास कर रहे हैं, 27% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इंडिया जीडीपी। उस स्थिति से इन लोगों ने इतना लूट किया पूरा कर दिया, मगर हमारा देश ने कभी भी किसी के ऊपर हमला किया नहीं। ये भारत का विशेषता है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा परंपरा, इसको हमेशा कायम रखना चाहिए। जब मैं आया देखा एड्रेस, मैं मन में बहुत प्रसन्नता हुआ, कारण प्रसन्न हो गया, कारण कि ये हमारा भारतीय परंपरा के आधार पर होना चाहिए। जाते जाते ब्रिटिश वाले ने टोपी रखा हमारे ऊपर, वही टोपी कंटिन्यू करे, वही ब्लैक गाउन कंटिन्यू करे। हमारा पद्धति, हमारा परंपरा, उसको कायम रखना चाहिए, उसका शुरुआत होना चाहिए। ऑलरेडी देर हो चुका है, मैं इंग्लिश भाषा का विरोध में नहीं, इंग्लिश भी एक भाषा है, अच्छा भाषा है, किसी को थोड़ा डांटना है तो अंग्रेजी में ज्यादा डांट सकते हैं, ऐसा प्यार से बात करना है तो इंग्लिश से बात करना, नहीं तो तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ा से, मलयालम से, असमी से, पंजाबी से बात करें तो अच्छा होता है और बोलने भी अच्छा होता है, मगर हमको मानसिकता, इंग्लिश मानसिकता पकड़ लिया। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, छात्रों से, मानसिकता से बाहर आ, भारतीय सोच, आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से, पूर्वजों ने जीवा और दिया, विरासत में हमको मिला भारतीयता, जिसको आप भारतीयता कहते हैं, इंडियननेस कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कहो, कुछ भी कोई आपत्ति नहीं। मगर नेटिव कल्चर, नेटिव सिविलाइजेशन, वी मस्ट फील प्राउड ऑफ अवर सिविलाइजेशन, वी मस्ट फील प्राउड ऑफ अवर फोर फादर्स, वी मस्ट फील प्राउड ऑफ चंद्रशेखर आजाद। सीखना चाहिए, घर में मातृभाषा में ही बोलना चाहिए, ये मेरा प्रार्थना है आप लोगों को। अपना व्यवसाय में प्रवेश करेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ लोग विदेश भी जा सकते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ज्यादा कुछ विदेश जाने का कोई महत्व नहीं आएगा, तो पुराना जमाना गई लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं। India is becoming the third largest economy in the world. The entire world is looking towards India. They are reading our books, they are reading our scriptures, they are reading Sanskrit. They are doing research on Vedas and Upanishads. But we lost our consciousness in between. And then Amurka, Prasam Sakar, Robert Clive the Great, Queen Great Age, Kaisa Great Age. रूट किया देश को ऐसे, इसलिए शीट किया इसलिए हमारा, इसलिए मैं चाहता हूं हम लोग घर में कम से कम मातृभाषा में बोले। ये बीमारी बच्चों का नहीं, कुछ लोग है हम आप पिताजी वगैरह होंगे ग्रामीण इलाके में, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाके में भी माँ और पिताजी बच्चों को कहते बहुत थोड़ा मम्मी डैडी कहो, ये मम्मी डैडी, ये मम्मी डैडी बीडी जैडी केडी क्या है मुझे समझ नहीं। घर में माँ को माँ माँ कह के प्रयास करो,
माँ माने अंतराल से आता है, हमारा तेलुगु में माँ माने अम्मा, अम्मा कह रहे तो अंतराल से, उर्दू में अम्मी अंदर से आता है, मगर यहाँ मम्मी। आप जाके ट्राई करो, अम्मा अंतराल से आता है, मम्मी यहाँ मुंह से आता है। मैं किसी भाषा का अवहेलन नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाषा, मेरा मातृभाषा, वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयाली हो, मराठी हो, असमी हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, हम गर्व महसूस करना चाहिए। कारण क्या है, हमारा भाषा में मीनिंग इन यूर मदर टंग इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर, लेटर यू वॉन्ट टू रीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स आईटी, नो प्रॉब्लम। IT, I am not against IT. IT is duty. Make it your duty and country can become mighty. There is no doubt about it. But घर में आपस में जिनको तेलुगु मालूम है उनसे तेलुगु से बात करना, जिनको हिंदी मालूम है उनसे हिंदी से बात करना। और ये साथ ही साथ जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तर भारत वाले कोई ना कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखना चाहिए, आप लोग भी प्रयास करना चाहिए, प्रयास करके हो जाएगा। मैं देखा ना, मैं खुद अनुभव किया ना, लेट एज में मैंने शुरू किया, थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने। आप भी थोड़ा तेलुगु सीखो, तमिल सीखो, मलयालम सीखो, कन्नड़ा सीखो, बंगाली सीखो, और बाद में कोई फ्रेंच सीखो, चाइनीज और कुछ सीखना चाहे तो सीखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं देखता हूँ जो रशिया का प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर आया, चाइना का लीडर आया, फ्रेंच का प्राइम मिनिस्टर आया, बेलारस का उनका चीफ आया, उस समय मैं था बेलारस वाले, उस समय वो हमारा प्रधानमंत्री से बात करते करते अपना भाषा में बोल रहे, बगल में बैठे अनुवादक भाषांतर कर रहे थे। तो मैंने विदेश मंत्रालय वाले को पूछा बाद में, क्या ये लोग आए चाइना वाले, रशियन वाले, बेलारस वाले, नहीं तो ये फ्रेंच वाले, इन लोगों को अंग्रेजी मालूम नहीं क्या? लोगों ने कहा मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है, मगर वो बोलते नहीं। कारण क्या है, वो अपना मातृभाषा में ही बोलते, मातृभाषा के बारे में स्वाभिमान। मित्रों, मैं चाहता हूं हम लोग हमारा मातृभाषा इंडियन लैंग्वेज को ज्यादा प्रोत्साहन करना, और जहां जरूरत है दूसरी भाषा में बोलना, वो तो आपस में किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, जितना संभव है उतना ज्यादा भाषा, जैसा हमारा डॉक्टर जोशी जी है ना आचार्य, बहुत भाषा, बहुभाषा पंडित, हम सब लोग पंडित नहीं हो सकते, फिर कम से कम एक दो लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रयास करें तो हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा मित्रों, कृषि क्षेत्र आज देश में थोड़ा इसके क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां है, ये चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए ये कारण है, वो कारण है, इस पार्टी कारण है, उस पार्टी कारण है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा चुनौतियां है, देश का आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, फूड प्रोडक्शन ऑल्सो इज इंक्रीजिंग, बट इट्स नॉट कमिसरेट विद ग्रोथ, and moreover you can never have food security, import food security, you must develop home grown food security. This is what famous agriculture scientist Dr. Swaminathan has said. So we have to focus there. The universities, the institutions, the ICAR or the Krishi Vigyan Kendra, they have to play an important role. Isliye main aapse anurodh kar raha hu, hum log कृषि क्षेत्र में जो आज का जो चुनौतियां है उसको समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बेसिक सुविधा प्राप्त कराना वो भी एक जरूरी है, गांव के लिए सड़क होना, गांव के लिए बिजली होना, गांव के लिए बाकी व्यवस्था होना, ये सब बहुत जरूरी है। उसके बारे में हमने ज्यादा भी ध्यान दिया नहीं, बहुत साल मुझे याद है, मैं भी जोशी जी के साथ, रामभाव के साथ वाजपेयी जी के जमा सरकार में मंत्री था, तो वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 50 साल में एक वे नहीं तो नो वे, तो उन्होंने 50 लाइन का नेशनल हाईवे का परियोजना उन्होंने शुरू किया। उस समय वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे, मैंने उस समय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया, सर ये बढ़िया है, राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, बेंगलुरु, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, फोर वे हाईवे बढ़िया है सर, और साथ ही साथ गांव गांव के लिए भी सड़क होना चाहिए। तो वित्त मंत्री उस समय बाकी लोगों ने कहा है, तो गांव का सड़क का गांव पंचायती बनाना चाहिए, नहीं तो पंचायत समिति ने तो जिला परिषद बनाना चाहिए, केंद्र सरकार कैसा बने? मैंने कहा हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे, उन्होंने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने से टोल गेट होंगे और जो गाड़ियां उस पर जाएंगे उससे पैसा आएगा, इसलिए वापस आएगा पैसा, पंचायत में रोड डाले तो पैसा कौन देंगे?
मेरे पास समाधान नहीं था सचमुच में उस समय। मैं ग्रामीण विकास मंत्री था उस समय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। मैंने बहुत समझाया समझाया, वो तो नहीं हो पाया उस मीटिंग में। फिर बाद में मैंने प्रधानमंत्री जी मिला, अटल जी को बताया सर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बाद वो सूरी सिरसा सूरी के बाद आपका नाम होगा, प्लीज इसके बारे में गंभीर से सोचो। उन्होंने कहा समझाए समझाओ सबको समझाओ, आगे प्रयास करके अपना प्रयास कर सकूँ। दोबारा मिले थे हम लोग, मैंने समझाने की कोशिश किया, फिर भी लोगों ने कहा भाई ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, कितना पैसा गांव गांव तक हमारे देश में कम से कम 14 लाख हमारे 6 लाख पंचायत है, 14 लाख छोटी मोटी गांव है। तो वो अटल जी ने मजाक में कहा बच्चे यार तुम्हारा भाषा में बोलते हैं ना सब समझाओ। तो मैंने कहा सर गांव में सड़क नहीं है तो व्यापारी नहीं आएगा, उद्योगपति नहीं आएगा, किसानों का जो उत्पादन होता है वो किसी कोई फायदा उसको खरीद नहीं करेगा, और ऑफिसर भी नहीं आएगा। तो मैंने संक्षिप्त में लास्ट में कहा गांव में सड़क नहीं तो वीडियो वीडियो डीडीओ एडीओ कलेक्टर डॉक्टर एक्टर ट्रैक्टर कुछ नहीं जाएगा। विश्वास है कि ये तेजस्वी नए स्नातक और
हर संभव तरीका से अपने अर्जित ज्ञान एवं कौशल का उपयोग समाज के सेवा करने में करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हम इस तथ्य से अवगत है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, जिसने वर्ष 1893 में कृषि विद्यालय के रूप में अपने यात्रा आरंभ की थी, कृषि संबंधी शिक्षा को क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते रहा। इस संस्था ने स्वतंत्र भारत में अपनी यात्रा जारी रखी और इसने अनेक चरणों में भिन्न भिन्न रूपों से विश्वविद्यालय का वर्तमान दर्जा प्राप्त किया है। वर्ष 1893 में कृषि विद्यालय के रूप में शुरुआत करके यहाँ वर्ष 1906 में कानपुर कृषि महाविद्यालय बन गया। तत्पश्चात वर्ष 1930 में इसको प्रादुर्भाव सरकारी कृषि कॉलेज के रूप में हुआ। वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्था के रूप में इसका पुनः नामकरण कर दिया गया है और अंततः वर्ष 1975 में इसे विश्वविद्यालय का वर्तमान दर्जा प्राप्त हुआ है। इस संस्था ने आरंभ से ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण और अनुसंधान की समृद्धि परंपरा को कायम रखा है। इस संस्था से शिक्षा प्राप्त कर अनेक विद्यार्थी भारत और विदेशों में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। पहले इसका जिक्र कर रहे थे, लोग बाहर भी जाना चाहते, मुझे आपत्ति नहीं, जाओ। जाने वालों का मेरा सुझाव एक ही है, तीन लाइन है, तीन लाइन, यू वॉन्ट टू गो गो लैंड एंड रिटर्न। जाना चाहते जाओ, सीखो, कमाओ, वापस आओ मातृभूमि के लिए। मैं हमेशा विश्वास करता हूं, हर एक व्यक्ति जीवन में चार चीज याद रखना चाहिए। नंबर वन मां, जिन्होंने जन्म दिया आपको, मदर। दूसरा जन्मभूमि, जो गांव में आपका पैदा हुआ, कभी भी वो गांव को भूलना नहीं चाहिए। तीसरा मातृभाषा, जो माँ का वहां से आया, मातृभाषा वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, जो भी हो। और चौथा मातृभूमि, द मदर लैंड, द कंट्री टू व्हिच वी बिलोंग। पालन करना, रेगुलेशन शुड नॉट बी स्ट्रैंगुलेशन, आई डू एडमिट,
the same time, your speeches, your writing should not hurt the sentiments of other people. You should not create social disturbance. You should not create social disharmony. Your duty constitution mein hai, aajkal 92 mein hai, ek bar padhi. Sikhane ke liye koshish karte kuch log, kisi ko avmaan karna, avhelan karna, devi devtaon ka avmaan karna, koi paddhati nahi hai. Aapka vishwas aapka hai, koi problem. Isliye, agree to disagree. Dusra, dissent is agreeable, but not disintegration. Kisi halat mein dekh ko अलग अलग करने के लिए जो प्रयास कुछ लोग करते हैं उसको हम सफल कभी भी नहीं होने देना चाहिए बिकॉज वी आर इंडियंस जब उसे भारत अभी आजकल भारत माता की जय उसके ऊपर भी कुछ लोग वंदे मातरम उसके बारे में कुछ लोग वंदे मातरम माने माँ तुझे सलाम क्या आपत्ति है अम्मा नमस्ते क्या सामने बैठे तो क्या माँ मैं कहता हूँ अम्मा नमस्ते नमस्ते क्या कहते नमस्कार हमारा संस्कार है भारत का माँ तुझे सलाम आपत्ति है वंदे मातरम आपत्ति है कुछ लोग कहते हैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म भाई नेशनलिज्म माने क्या है पेट्रियटिज्म माने क्या है देश में रहने वाले 130 करोड़ पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड सेक्स रिलीजन रीजन सबका सम्मान यही है भारत माता के जय वाले भारत माता का फोटो को नहीं फोटो हमने जो दिखा वही बाउंड्री ऐसा नहीं पूरा देश देश में रहने वाले फॉरवर्ड बैकवर्ड माइनॉरिटी मेजॉरिटी बच्चे बूढ़े सब लोग पुरुष महिला और भी जो भी है किसी का अवहेलन नहीं करना उनको ऐसा डिफरेंट डिसेबल्ड पीपल आर देयर वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम सबको जय हो यही है भारत माता को जय हो माने यही है वंदे मातरम माने वही है मजहब आपका पर्सनल है मजहब रिलीजन इज योर पर्सनल बट कल्चर इज way of living. What we are talking, what we should talk is not about the religion, religion is personal, we should all talk about the culture. मैं एक सभा में बोल रही थी एक लड़का ने कहा सर कल्चर क्या होता है मैंने कहा संस्कृति उन्होंने कहा संस्कृति क्या होता है मैंने कहा जीवन पद्धति उन्होंने कहा जीवन पद्धति क्या होता है मैं आप जीते नहीं बोली जीवन पद्धति नहीं सर थोड़ा सरल भाषा में आप वन लाइनर के लिए बहुत पॉपुलर है सर वन लाइन में बताओ मैंने कहा संस्कृति के बारे में एक लाइन में बताना इतना आसान नहीं उन्होंने कहा नहीं सर प्लीज समझाओ तो मैंने कहा संस्कृति माने भारतीय संस्कृति माने क्या है आपके पास रोटी है अपना रोटी आपने खाया प्रकृति है दूसरे व्यक्ति के पास रोटी है आपने उनसे रोटी छीन के खाया ये विकृति है और आपके पास रोटी है आपने आपका रोटी आधा रोटी दूसरी जो गरीब लोग है उनको दिया आपने ये भारतीय संस्कृति है हम लोग हमेशा हमारे संस्कृति के ऊपर श्रद्धा भक्ति भावना होना चाहिए और साथ ही साथ कृषि कृषि क्षेत्र में जो आजकल चुनौतियां है मैं देखता हूँ अनुभव करता हूँ मैं खुद गांव में पैदा हुआ तीन किलोमीटर हर एक दिन जाके स्कूल में पढ़ के फिर वापस आते मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं सर आप पढ़ाता है इंग्लिश मीडियम नहीं मैं इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना ऐसा कोई जरूरत मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं बचपन तेलुगु मीडियम में पढ़ा कॉन्वेंट में गया नहीं फिर भी भारत को उपराष्ट्रपति बन गए फिर नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री वो चाय बेच रहे थे और उन्होंने पूरा एजुकेशन उस समय पूरा नहीं कर पाया कॉन्वेंट में गया नहीं फिर भी दुनिया में अभी सबसे पॉपुलर इंडिया का प्रधानमंत्री बन गया ये देश की विशेषता है पीपल ऑलवेज चूज द रिप्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ देयर कैरेक्टर कैलिबर कैपेसिटी कॉन्डक्ट कुछ जो कई बीमारी है कैश से कैश से कम्युनिटी के आधार पर वो तो अलग बात मगर देश में मुख्यतः आम लोग चाहते कैरेक्टर कैलिबर कैपेसिटी कॉन्डक्ट जिनका हो उनको प्रोत्साहन मिले ये कृषि क्षेत्र में जो संकट आया है भविष्य में समस्या बनी इसलिए कृषि क्षेत्र जोड़ के लोग जा रहे छोड़ के जा रहे मुझे आश्चर्य हो गया क्रीड़ा के बारे में रिसर्च किया एक लड़की ने तो भूमि के बारे में भूसार के बारे में रिसर्च कर रहे बड़े स्टडी कर रहे इंटरेस्टिंग है वैसे इसलिए हर एक बच्चे से पूछ रहे थे पिताजी क्या करते सबका पिताजी किसान है ऐसा नहीं अलग अलग मगर रुचि
मैं बहुत इंप्रेस हो गया सचमुच में, देख के उन लोगों से मिलने के बाद, उनका सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, अच्छा अच्छा लोग भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल कृषि के बारे में। कारण क्या है, ग्रामीण इलाके में जो वातावरण है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको मौका मिलते हैं उनसे पूछो भाई क्या, डॉक्टर से पूछो कहते मेरा लड़का डॉक्टर होना चाहिए, टीचर से पूछो कहते मेरा लड़का टीचर होना चाहिए, और जर्नलिस्ट से पूछो तुम्हारा लड़का क्या होना चाहिए, जर्नलिस्ट होना चाहिए, गर्व महसूस करते, और एक्टर से पूछो वो कहते हमारा लड़का एक्टर होना चाहिए, चेहरा अच्छा हो ना हो फिर भी हमारे ऊपर सोचते हैं। किसान से पूछो आप क्या चाहते, वो कहते हैं किसी हालत में मैं लड़का कहते नहीं करना, मैं बहुत कुछ हो गया मेरा जीवन हो गया। क्यों, कृषि लाभदायक नहीं है ये भावना बढ़ रहे लोगों में, इसलिए इसको कैसा लाभदायक बनाना ये बहुत जरूरी है, और कृषि का महत्व क्या है नया पीढ़ी को बताना है। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं अभी राजनीति में नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं मंत्रियों से भी बात करूंगा, प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा, कृषि और हमारा संस्कृति ये दोनों हमारा स्कूल सिलेबस में पाठ्यांश के रूप में रखना चाहिए, लोगों को मालूम हो। इसलिए मित्रों ये विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इसकी वजह से केवल उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती राज्यों में वरन पड़ोसी देशों में भी कृषि का सतत विकास हुआ है, यह पर विकसित की गई खाद्यों फसलों की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों ने हमारे देश में हरित क्रांति लाने और कृषि के क्षेत्र को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं इस विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के इस सेवा के लिए इसकी प्रशंसा करता हूं। एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्था के रूप में इस विद्यालय को श्रमिक विकास के लिए इसके वर्तमान और पूर्व कुलपति समर्पित अध्यापक और प्रतिबद्ध कर्मचारी प्रशंसा के पात्र है। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वी मस्ट रिमेंबर दैट, एनी टीचर फॉर दैट मैटर, देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज नाउ, टेक्नोलॉजी हैज कम, एवरीथिंग, व्हेन आई से समथिंग बच्चे तुरंत गूगल But I want to tell you, Google is important. It will also give you information. But a teacher can give you more information. That's why I want to say that Google is important, but Google can never replace Guru. Must remember. Guru माने ज्ञान देने वाले, उन लोगों के गुरु क्या है, इसलिए मैं उस सब लोगों का सराहना करना चाहता हूँ। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि भारतवासियों के मूल संस्कृति रही है, यद्यपि देश ने विगत में भुखमरी और खाद्यान्न की कमी जैसी समस्याओं का सामना किया है, तथापि हरित क्रांति से हम आत्मनिर्भर हुए हैं और लगातार बढ़ रही जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, ये बहुत हमारा देश के सामने जो आज का जो स्थिति है, ये पल्सेस के बारे में, सीरियल्स के बारे में, ये बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में बहुमुखी सोच होना चाहिए, वी नीड ए मल्टी प्रोग्राम अप्रोच टू टैकल एग्रीकल्चर। व्हाट इज मल्टी प्रोग, नंबर वन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर मस्ट इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिजली वगैरह वगैरह गोडाउन। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल गोडाउन बहुत जरूरी है। थर्ड, कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है। नासिक में प्याज 2 रुपए किलो, वही प्याज दिल्ली में 40 रुपए किलो। एक बार सरकार भी गया प्याज के हिसाब से, और आलू आधे घंटे इलाके में आलू आलू अटोरे में कितना है आलू, और दिल्ली में वही आलू का दाम क्या है। आलू से हमारा जोशी जी बताते थे बचपन में, समय मुझे याद आ रहे, बताते थे पोटैटो का दाम क्या है, खरीद करो कितना है, पोटैटो चिप्स खरीद करो कितना है, उस समय से बताते थे जोशी जी। टमाटर खरीद करो क्या है, मगर टमाटर केचप कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन नंबर वन, सेकेंड फूड प्रोसेसिंग नंबर टू, थर्ड कोल्ड स्टोरेज, फोर्थ इज रेफ्रिजरेटेड वैन सिस्टम, फिफ्थ इज टाइमली
cheap and available credit. People require lot of money. Agriculture people, if they don't have money, iske paas jaate hain. Isliye wo bhi credit, affordable credit, timely credit, affordable credit dena bankon ka kartavya hai. Abhi aajkal bankon ke paas bahut paisa hai. आप ऐसा जाके बैंक के पास जाके सर ने कहा ऊपर आसमान पैसा ज्यादा है आपके पास, देव ऐसा नहीं। ये पैसा तो पहले जो पैसा बेडरूम में, बाथरूम में, टॉयलेट में, फ्रीजर के नीचे थे, वो सब पैसा नवंबर 8 के बाद बैंक में पहुंच गया। बैंक में पहुंच के किसी ने मेरे से कहा, सर व्हाट आर यू सेइंग सर, द एंटायर मनी हैज कम बैक टू द बैंक, व्हाट इज एडवांटेज। मैं उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ, अभी मैं राजनीति में नहीं हूँ। मेरा सिंपल कॉमन सेंस एक बिजनेस के नाम उद्देश्य वही था, जो पैसा बेडरूम में, बाथरूम में, फ्रिजों के नीचे था, वो पैसा बैंक में आना आया, पता के साथ आया, पिता के साथ आया, पति के साथ आया, बैंक में पहुंच गया। पैसा किसका है, ये पैसा किसका है, अभी अकाउंट चल रहे रिजर्व बैंक का दायित्व बनता है देशवासियों को बताना इसमें कितना ओरिजिनल पैसा है, सफेद या क्या कहते हैं ब्लैक पैसा वगैरह। मेरा कहना यह है, बैंक शुड फोकस मोर ऑन एग्रीकल्चर, more on rural development, and then they must also give affordable credit to the people, timely credit, that is also equally important. Then soil testing is very important. Now Pradhan Mantri ne soil health card, uska bhi logo ko batana hai, kaun si zameen mein, kaun si kheti mein kya acha fasal tha, kya hona, iske bare mein batana hai. This is all the work of universities, this is all the work of the research institute, this is where you have to find out new seeds which can give more yield. पेस्ट मिनास बहुत है देश में, वो पेस्ट मिनास को रोकने के लिए क्या करना, पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज उसको प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, यही भी हमारा काम है, यूनिवर्सिटीज का काम है। इसलिए मित्रों मेरा कहना यह है, और साथ ही साथ मैंने कहा मार्केट एक बड़ा इश्यू है, मार्केट के बारे में नया आइडिया आना चाहिए। मार्केट के बारे में अभी प्रधानमंत्री ने एक नया घोषणा किया, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मेरा इलाके में एक मदरपल्ली गाँव है चित्तूर में, यहाँ जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने एक विद्यालय स्थापना किया, वहां टमाटर मार्केट में गया मैं एक दिन, पूछा रेट क्या है, तो लोगों ने कहा सर आज रेट तो अच्छा नहीं। मैंने कहा क्या है, 10 रुपया। मैंने कहा 10 रुपये किलो, नहीं सर 10 किलो का बैस्केट 10 रुपया उस दिन मार्केट में। मैं वहां से बेंगलुरु गया 120 किलोमीटर, मेरा बहन बेंगलुरु में रहते हैं, उनसे पूछा टमाटर का रेट क्या है, उन्होंने कहा 12-16 रुपये के बीच में। 120 किलोमीटर मदनपल्ली में टमाटर 1 रुपये किलो, बेंगलुरु में 12-16 रुपये। अगला दिन सुबह मैं फ्लाइट में दिल्ली आया, मेरे पति से पूछा टमाटर क्या है, उन्होंने कहा 18-20-22 के आसपास, किसान को मिल रहा है 1 रुपया, दिल्ली में हम लोग खरीद कर रहे 22 रुपये। यही तमाशा है, मिडिलमैन एक्सप्लॉइटेड होता है। इसलिए इसके लिए रेफ्रिजरेटर वैन, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, इसके लिए और भी प्याज का भी हुई है और आपका आलू का भी हुई है, तो इन विषयों में भी श्रद्धा देना चाहिए। कृषि विज्ञानों का, विज्ञान केंद्रों का काम है और यूनिवर्सिटी का काम है। अनुसंधान और वैज्ञानिक नवोन्मेषों का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। प्रस्तुत विश्वविद्यालय मूल्यांकन ऐसी नव परिवर्तनों पर आधारित होना चाहिए जिससे समाज का हित हो। एक दिन कैबिनेट में ऐसा चर्चा आया, कैबिनेट में जो चर्चा होता है बाहर नहीं होता, प्रधानमंत्री ने कहा ये यूरिया का क्या प्रॉब्लम, हर एक साल यूरिया का क्यों शॉर्टेज आ। मुझे याद है 1978 में मैं विधायक था पहली बार, उस समय भी मैंने असेंबली में बहुत तो आंदोलन किया, यूरिया नहीं मिल रहा है किसानों को, यूरिया नहीं मिल रही, साल भर में यहाँ से वहां से शिकायत आते थे, अभी भी आ रही थी कुछ दिन तक। तो प्रधानमंत्री ने कहा क्यों उत्पादन कम हो गया क्या, खाद्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा नहीं सर कम नहीं हो, फिर क्यों प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा सर ऐसा ही मार्केट में स्थिति है। तो प्रधानमंत्री ने कहा इसके बारे में सोचो, और अगर आप कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा यूरिया का प्रोडक्शन कितना 245 मिलियन टन, फिर यूरिया को सब्सिडी देते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर एक बैग में 200-300 रुपए सब्सिडी केंद्र सरकार देते, लोगों को मालूम नहीं चलता लोगों को, और वो पैसा किसान के पास नहीं जाते सीधा, पैसा किसान को देना माने किसान का पता क्या है, उनका सूची क्या है, गवर्नमेंट के पास नहीं था, तो ये पैसा देते वो यूरिया फैक्ट्रीज को, कितना प्रोडक्शन किया उतना पैसा होता, वो किसान को देना आधे अलग बात है मेंटेनेंस के लिए। तो बाद में प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा कहा भाई मंत्री जी आप अगला महीने में यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग करो, नीम उसको समझ में नहीं आया, नीम कोटिंग करने से यूरिया में क्या होगा, नीम, नीम को क्या है हिंदी में,
ये नहीं मांग, हमारे इलाके में व्यापक है, व्यापक और कटा हुआ है, तो किया तो बंदे मारो पड़ा। इस साल लास्ट ईयर, लास्ट बिफोर ईयर, नो यूरिया शॉर्टेज एनीवेयर इन द कंट्री, नो लाइन, नो क्यू, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट, बिकॉज ये यूरिया सब्सिडी किसान के नाम पे रहते थे, बाद में उसको केमिकल फैक्ट्री वाले यूज करते थे। अभी नीम कोटिंग लगाने से केमिकल फैक्ट्री यूज नहीं करते, इसलिए यूरिया का डिमांड कम हो गया, मार्केट में सबको मिल रहा है, किसी स्टेट में यूरिया का शॉर्टेज है मैंने सुना भी नहीं। ये आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, साइंटिस्ट यू पीपल यंगस्टर्स and the professors, you should focus on such things and then come out with new ideas, because nowadays innovation, incubation, startup, stand up, so many new things are happening. During our period, stand up mane late ho gaye to teacher kehte the stand up on the bench, aajkal stand up mane stand up on your own legs. तो इसलिए मित्रों मैं चाहता हूँ इस दिशा में हम लोग सोचे, मनुष्य की खुशियां सुनिश्चित करने के लिए विकास के प्रति धड़क बढ़ती जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास के लक्ष्य में उल्लेखित वर्ष 1992 के रियो उद्घाटन का प्रथम सिद्धांत सतत विकास की चिंता का केंद्र बिंदु मानव है। सतत विकास का केंद्र बिंदु मानव है, ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर ऑफ ऑल द डेवलपमेंट, और डिजाइन शुड बी लाइक दैट। खाद्य सुरक्षा और सतत विकास संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक विकास कार्यसूची में सर्वोपरि है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को MDG गोल्स के रूप में हम रखा है, उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और विकासशील दुनिया लगभग 800 मिलियन भूख से पीड़ित व्यक्तियों से लगभग एक चौथा व्यक्ति एशिया में निवास करते हैं, इसके बारे में हम लोग गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारा किसान लोगों की खिलाने में सक्षम रहे, परंतु वे अपने परिवारों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में उस प्रकार का बदलाव नहीं आएगा जैसा कि हमें चाहते हैं। समय की मांग है कि हमारे कृषि प्रणाली को सतत वही बनाना जाए, क्योंकि कृषि भूमि के कोई वृद्धि नहीं होगी जबकि किसान परिवारों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं में उत्तरोत्तर ये भूमि नहीं बढ़ पाएगी, भूमि को उतना ही। तो इसलिए इसके बारे में, वेराइटीज के बारे में और आजकल ऑर्गेनिक के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लोग उसका भी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हरित क्रांति के बावजूद भूकंपरी और गरीबी के विरुद्ध संघर्ष जारी है। यह जानना संतोषजनक है कि भारत सरकार के द्वारा देश में भूकंपरी और गरीबी उन्मूलन के लिए कृषिगत प्रयासों में तेजी ला गई है। आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, कृषि आधुनिकरण मिशन, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, ग्रामीण भंडार योजना और स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी कई कृषि एवं कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ की गई है, मगर इसको नीचे तक ले जाना चाहिए। मित्रों, उनके लिए रेमुनरेटिव प्राइस होना चाहिए। इन सभी विषयों में स्टडी करके साइंटिफिकली हम लोगों को किसानों को मदद करना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमारा कहना है ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, मशीनों का उपलब्धि से कितना फायदा होगा। अभी हरियाणा पंजाब का किसान अपना फसल के बाद वो तो कर रहे, उसके कारण से दिल्ली में पंखे हो रहे, प्रदूषण हो रहे हैं, हम लोग शिकायत कर रहे। मुझे बताया गया है कि ऐसी मशीनों में उपलब्ध है जो खेतों से अवशेषों को एकत्र करके उनको विभिन्न लाभकारी कार्यों में प्रयोग करने हेतु यंत्रवत गटरों में परिवर्तित कर देती है, जैसी जैव CNG ताप संयंत्रों के लिए, बायोमास पायलट ईंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी जैव कंपोस्ट जैसा कार्य इस फसल अवशेष को उपयोगी और उर्वरक में परिवर्तित करने वाले प्रौद्योगिक उपलब्धि है। ऐसा बताया गया है कि हरियाणा के करनाल जिले से कुछ किसानों ने मिलकर वैज्ञानिकों को सहायता से फसल अवशेष से खाद बनानी शुरू कर दिया है। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, मगर अभी तो मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। मैं वैज्ञानिक समाज से अपील करता हूँ कि अपने अपना क्षेत्र में भी जाइए, लैंड लैब टू लैंड जाके किसानों को और नया योजना, नया आइडिया सबको बताइए। मित्रों, मेरा कहना यह है कि आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर जो आपर सामने आए कृषि क्षेत्र में उसको समाधान ढूंढने का काम राजनेता और साइंटिस्ट सब मिलकर हम लोग ये परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म,
हर एक क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। भारत शक्तिशाली बनना है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास, मैंने सबके लिए विकास होना चाहिए। केवल कुछ लोग पूंजीपति बने, पैसा होटल बनाए और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए तो उससे काम होगा, सबके लिए हर एक व्यक्ति ऐसा महसूस करना चाहिए भाई भी इसमें भागीदारी हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री जो भी कार्यक्रम शुरू करते हैं वो कहते हैं हर एक कार्यक्रम में लोगों का भागीदारी होना चाहिए। ये अभी लेटेस्ट है ना, आप लोग ने देखा है क्लीनलीनेस, महात्मा गांधी ने कहा वाराणसी में 160 ईयर्स के पहले, उन्होंने कहा सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पोलिटिकल फ्रीडम, दिस इज द वर्ड ही सेड। एंड ही ऑल्सो सेड दैट ये भगवान के पहुंचने में आप लोग ये क्लीनलीनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहा, बिकॉज गॉड लाइक सच पीपुल हु आर क्लीन। अगर आजकल इसको एक उद्यम के रूप में देश भर में प्रधानमंत्री ने आरंभ किया, हम सब लोग केवल मोदी जी के कारण से नहीं, देश के लिए आवश्यक है, हम सब लोग इसको भागीदारी होना चाहिए। क्लीनलीनेस ड्राइव विल ऑल बिकम तन से मन से धन से, देश को पूरा सॉल्व करने का काम हम लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ हर एक काम में लोग जब तक भागीदारी नहीं होंगे कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस बीच में मानसिकता में ऐसा परिवर्तन आया, कोई भी कार्यक्रम सरकार देखेंगे, कॉर्पोरेटर देखेंगे, मंत्री देखेंगे, मेरा काम नहीं उनका है, सब काम सरकार करेगा, बेकार बैठे तो गिरेगा, ऐसा नहीं। हम लोग भी इसमें भागीदारी होना चाहिए। जल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन होने का नाते सिंचाई तथा जल विकास के आधुनिकरण, वर्ष जल संचयन, टैंक का पुनर्शासन और रिवर्स का रिजर्वेशन, और अल्पकालिक जीवन चक्र और कम जल खपत वाली किस्मों के उत्पादन के संबंध में हमारा दृष्टिकोण पर प्रतिभूत अधिक फसल की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, उन्होंने कहा हर खेती को पानी, हर हाथ को काम, वाटर टू एवरी लैंड, वर्क टू एवरी हैंड, दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड अस एट द टाइम, सो वी हैव टू नाउ थिंक ऑफ दोस लाइन। इसलिए मित्रों मैं चाहता हूँ अंत में कृषि विज्ञान केंद्र अथवा केवी के देश के अग्रणी कृषि विज्ञान केंद्रों की उत्पत्ति और व्यवहार द्वारा निगम दर्शनों को अंतर्विष्ट करके कौशल निर्माण करने की पृष्ठभूमि में हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्रों के पास भारत सरकार मेरा गांव मेरा गौरव और संकल्प सिद्धि कार्यक्रमों का क्रियान्वित करने के बाद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसके लिए कृषि के समग्र विकास और वर्ष 2022 तक किसानों को आयु को दोगुना करने संबंधी लक्ष्य के प्रतिबद्ध होना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, सब लोग इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस छात्रों को आज ये हम लोगों ने स्नातक इसमें डिग्री प्रदान किया गया है, उन्हें किसानों का समस्याओं का पता लगना चाहिए तथा उनका समाधान तथा कृषि क्षेत्र में सुधार लाने हेतु नवोन्मेषी तरीका से अपनाए जाने में सहायता करनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में देश का चहुमुखी बहुमुखी सामाजिक आर्थिक विकास किए जाने की संभावनाएं बहुत है। मैं सभी नव स्नातकों को एक बार पुनः शुभकामनाएं और आप मेरा अपना आशीर्वाद भी देता हूँ। आप एक नया जीवन आरंभ करने जा रहा है और निश्चित रूप से आप अलग अलग व्यवसाय चुनेंगे। मेरी आपको यही सलाह है कि आप गौतम बुद्ध की दर्शन को अपनाए, और उन्होंने कहा अपो दीपो अर्थात अपना भयक प्रकाश स्वयं बनो, क्योंकि वास्तविक और शाब्दिक अर्थों में प्रज्ञा का प्रकाश स्वयं आपको और संपूर्ण मानवता दोनों का ही सफलता शांति एवं समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध हो सकता है। मैं आप सभी के लिए कामना करता हूँ कि आपके अपने भावी प्रयासों में सर्वत्र सफलता प्राप्त हो। सबको मेरा नमस्कार और